ਉਤਰਾਖੰਡ देख कर किसी के दर्द को आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बना जाती है। इन्हीं में से कुछ इंसान धरती पर अवतार का स्वरूप ले लेते हैं। समाज सेवा करने वाले कई व्यक्ति आपने देखे होंगे, पर ऐसा व्यक्ति जो अपना तन मन धन सब कुछ समाज के उत्थान में समर्पित कर दे, बहुत कम होते हैं। इन्हें ईश्वर कहें या ईश्वर का अवतार, ऐसे ही एक महान समाज सेवी है चौधरी कंवर सिंह तंवर। अमरोहा सांसद और बीजेपी नेता चौधरी कंवर सिंह अपने क्षेत्रवासियों के लिए कलयुग के दानवीर कर्ण कहलाते हैं। अपनी मां की सिखाई सीख को जीवन का उद्देश्य बना चौधरी कंवर सिंह तंवर ने समाज सेवा को ही जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह ने अपने शुभ आशीष से 151 नव युगलों का विवाह संपन्न कराया। इस सामूहिक विवाह के शुभ अवसर पर लाखों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने पधारकर नव युगलों को अपना आशीर्वाद दिया। अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर हर साल 100 से भी ज्यादा युगलों का सामूहिक विवाह संपन्न कराते हैं। Come on!
जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, उसके लिए अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हमारी शादी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। हम वहाँ से शादी करते तो हम नहीं दे पाते इतना सामान जितना उन्होंने कमल सिंह ने दिया है। घर पे करते तो पर्दा करते, पानी करते तब शादी करते। मसीहा हमारे लिए जो हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं गरीब लोग, उनके बराबर किसी ने दया नहीं करी आज तक। बहुत सर जी, हमें तो भगवान के जैसे बड़े हैं, हमारे लिए तो भगवान तो चल कर भी नहीं देखते, वो तो देख रहे हैं हमें। उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, सिलाई मशीन भी, टेबल, चार कुर्सी, चमची और सब गोल्टा और बेड, पता नहीं कितने कपड़े हैं, मुझे तो ये भी गिनती में आई, एक जोड़ी कपड़े पहना के लाए थे। उन्होंने साथ अगर हम चिंता से दूर हो गए, ये सर से बोझ हमारा हल्का हो गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो इतना अच्छा कर दिया गरीब आदमी के लिए, क्या ऐसा तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। कंवर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्या ऐसे ऐसे नेता भी और कहीं कोई से देश में अगर हो जाए तो मैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे जैसे ये है राजा, ऐसे राजा तो अभी मैंने इतने बड़े राजा तो अभी कहीं देखे ही नहीं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। ये जो पंक्तियाँ बहुत ही सटीक बैठती है, अमरोहा संसदीय क्षेत्र के सांसद और जनता के बीच बेहद ही लोकप्रिय और बेहद ही चहेते नेता जो है चौधरी कंवर सिंह तंवर आज हमारे साथ है। और सर आपका राजनीतिक करियर तो बहुत, आपका जो सफर है बहुत लंबा रहा है, लेकिन आज हम आपके राजनीतिक सफर के बारे में ना बात करेंगे, आज हम बात करेंगे उन सामाजिक कार्यों के बारे में, उस सफर के बारे में जो राजनीति में आने से पहले से आप उससे जुड़े हुए हैं। और आज क्योंकि जो लक्ष्य है वो 151 कन्याओं के विवाह का है, तो ये कब से शुरुआत सर कैसे हुई सामाजिक कार्य की? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ, और मेरी जो माता जी थी नारायणी देवी, उनके नाम से मैंने काफी मंदिर भी बना रखे, बहुत कुछ किया, उनसे मेरे को बड़ी बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी। उनकी बेटे जब भी तुम्हारा बिजनेस चले, काम चले, तो मतलब एक गरीब भाई बहनों की सेवा। तो मैं 2003 से समाज सेवा से जुड़ा हुआ और हर साल बेटियों की शादी करता हूँ, और बेटियों की शादी भी ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ जैसे मेरी अपनी बेटी है, उनको मैं विदा करता हूँ, उनको उनकी शादी करता हूँ धूमधाम से। आप देखोगे तो यहाँ बैंड बाजे सब कुछ मिलेगा आपको। इन्होंने बहुत कुछ कराया, जो इनके बन बसे हैं वो सभी कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ कराया, जो बर्तन, जो अलमारी सलमारी गरीब इंसान थे इतने कुछ नहीं दे पाते, चार बर्तन दे दिए, कपड़ों पे दे दिए, थोड़ा बहुत तो विदा कर दिए, लेकिन वो जो दे रहे हैं तो बहुत सही दे रहे हैं। बहुत फायदा गरीब लोगों की, जो बच्ची है उनकी शादी हो जाती है, जो नहीं कर पाते पैसे की वजह से तो ये करा देते हैं, तो समाज को फायदा काफी। मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि हर साल यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में जो बच्चियों की शादी होती है, ये बच्चियों को मैं अपनी बेटी समझता हूँ, और हर साल मैं अपनी कई बेटियों की शादी कराता हूँ, कभी 150 हैं तो कभी 100 हैं, आज तक हजारों बेटियों की यहाँ शादी हुई है, और उन बेटियों को भी मैं, जो पीछे शादी हुई पिछले साल, उससे पिछले साल, मैं उनको भी निमंत्रण देता हूँ, उनको भी बुलाता हूँ। ये मेरा उन बेटियों का मायका है, यहाँ पर वो बेटियाँ आती हैं, ये अपना मायका समझ करके आती हैं। मैं उन सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने इलाके के सांसद से लोग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि वो उनकी समस्याओं को देश की संसद में जरूर उठाएगा और उनके क्षेत्र का विकास कर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्हें तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएगा।
लेकिन लोगों की उम्मीदों को उस वक्त काफी धक्का लगता है जब चुनाव जीतने के बाद उनका सांसद उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं करता और ना ही अपने क्षेत्र में नजर आता है। वहीं बात अगर अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी की जाए तो वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका जन्म ही लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। वो गरीबों की सेवा करने के लिए किस तरह से समर्पित रहते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सांसद नहीं थे उस समय भी वो अमरोहा के लोगों के हर दुख दर्द को दूर करने में लगे रहते थे। जैसे फूल का गुण है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने चारों ओर खुशबू बिखेरता है, वैसे ही चौधरी कंवर सिंह जी का गुण है लोगों की सेवा करना। इन्होंने सांसद होने के बावजूद खुद को एक सेवक और समाज सेवी के रूप में ही देखा है और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की है। ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो क्या काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो सड़क भी बन रही है, नल भी गड़ना है, सारी सुविधा हो रही है, सभी बढ़िया काम चल रहा है। बिजली पहुँची है? बिजली पूरे गांव में, पूरे गांव में, गांव से बाहर भी, पूरे जंगलात में बिजली बिजली हमारे तो। हमारे क्षेत्र में बिजली का, सड़कों का और घर घर में जो है कनेक्शन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, लेटरिन बहुत सुविधा। उन्होंने हमारे गाँव में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करा दिया, हमारे लिए टंकी दी है, सड़क बनवाई है बिल्कुल, बच्चों के हाथों में किताबें थमाई है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित कर उनका मान बढ़ाया है। तो सांसद के रूप में पानी, सड़क और बिजली को गांव-गांव तक पहुंचाया है, साथ ही अनेक लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद भी दिलाई है। मैं आज से कुछ साल पहले की अमरोहा की जब तस्वीर देखती हूँ तो पहले थोड़ा सा यहाँ पर सर शिक्षा की कमी थी, छिटपुट घटनाएं भी बहुत होती थी, दंगे वगैरह आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है लोगों के बीच में, शिक्षा की कमी है, तो उसके उसके प्रचार प्रसार के, उसके विस्तार के लिए आप क्या प्रचार के लिए मैंने रथ बनाया हुआ है, उसमें भी यही लिखा है शिक्षा को अपनाओ और गरीबी भगाओ। तो मैं आज अपने किसानों से यही कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र में, जब तक हम शिक्षा को नहीं अपनाएंगे और तब तक हम अपनी गरीबी को भगा नहीं सकते, हम गरीबी से हट नहीं सकते। तो आज मैं लोगों को गांव-गांव जाता हूं और शिक्षा पे मैंने बहुत जोर दे रखा है। इस क्षेत्र में स्कूल अच्छे बनवाए हैं, पहले यहां क्या था, पहले यहां रोड भी नहीं थे और जब से हमारी ये सरकार आई, मैं सरकार के बारे में सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, मेरे को यहां करीब करीब 750 करोड़ रुपया तो बिजली के दिए, जिन गाँव में बिजली नहीं थी, लालटेन लगे हुए थे, लालटेन, और वो बच्चियां पढ़ती नहीं थी, उनके स्कूल अच्छे नहीं थे। आज मैंने यहाँ बहुत सुधार हमारी सरकार ने किया है और बिजली पूरे क्षेत्र में 750 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रोड नहीं थे तो ऐसे 680 करोड़ रुपए मैंने रोडों के लिए लेकर आया है। मैं वो धन्यवाद देता हूँ नितिन गडकरी जी, हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मेरे क्षेत्र में काम करवाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहले अमरोहा में, राज के अमरोहा में बहुत फर्क मिलेगा। यहाँ के युवा, यहाँ के हमारे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, एक शहरी करण भी आने लगा है इस क्षेत्र में। अच्छे मतलब जो अच्छा पढ़ाई करता है बच्चा तो वो बाहर निकलेगा, वो एक मनुष्य नहीं कहता तुल्य है हमारे सांसद जी, जो अपने विभिन्न सेवा कार्य के लिए के माध्यम से अपने जिले में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। आज उनका हमारे गांव में पदार्पण हुआ। अमरोहा के विकास के लिए खुद को समर्पित कर चुके समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी से बेहतर इनकी परेशानियों को भला कौन समझ सकता था। इसलिए 2014 में अमरोहा के लोगों ने कंवर सिंह जी को अपना नेता बनाकर सांसद के रूप में लोकसभा में भेजा और चौधरी कंवर सिंह तंवर जी अपने स्वभाव के मुताबिक अमरोहा के लोगों की सेवा में लगे रहे। इन्होंने अपने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गांवों का बड़े पैमाने पर विकास करके उनकी तस्वीर ही बदल दी है। ना आप
ऐसे सांसद बने बहुत देवदार काम करा है आज तक बहुत बन गए ऐसा हमारे गांव में आज तक के सांसद हमारे गांव के लिए देवता पहली बार सांसद ये ही आए हैं वरना आज तक कोई सांसद आया ही नहीं 26 मीटर कार्य इन्होंने शुरू कराया सर्वप्रथम इन्हीं ने बाकी किसी ने नहीं कराया कंवर सिंह जी के अथक प्रयासों से केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत जल्द ही कई गांवों में सड़कों के नवीनीकरण और उनके चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। जनता को इस बात की खुशी है कि हमारे सांसद जी चौधरी कंवर सिंह तंवर जी एक ऐसे सांसद रहे हैं कार्यकाल लंबा क्यों हो चुका है मगर आज तक कोई इनके कारण पर कार नहीं है मतलब जो है मैं जो ये राजनीति को मैं राजनीति नहीं मैं तो एक सेवा के रूप में करता हूँ राजनीति करता हूँ तो सेवा के रूप में करता हूँ जनता की सेवा करना अब क्षेत्र के मान सम्मान को लोगों को बढ़ाना कम से कम 10 गांव का कवर करती है तो वो मेरे पास 47 आदमी का स्टाफ है जो गांव गांव दवाई देता है जो गरीब मजदूर या किसान दवाई बाहर नहीं जा सकता वो शहर दूर पड़ते हैं तो मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी गांव में जाकर के उन गरीबों तक दवाइयां पहुंचाना मेरे डॉक्टर उनकी सेवा करते हैं जाकर इधर और मेरे को बहुत आनंद लगता है मतलब मैं ये चाहता हूँ मैंने अपने जो जन्म लिया है वो एक भाई बहनों की जो मेरे दबे कुचले भाई बहन है उनकी सेवा के लिए मैंने जन्म लिया है और उनकी ही सेवा करूँगा मोबाइल डिस्पेंसरी वैन के आगे लाइन बनाकर खड़े ये लोग अपना इलाज कराने आए हैं सांसद जी द्वारा ये मोबाइल डिस्पेंसरी वैन सेवा के तहत वैन में मौजूद काबिल डॉक्टर उन गांवों में जा जाकर लोगों का इलाज करते हैं जहां कोई भी सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र उपलब्ध नहीं है मरीजों के इलाज और उनकी दवाइयों पर होने वाला सारा खर्च कंवर सिंह जी ही उठाते हैं वहीं कई गंभीर बीमारियों और कैंसर से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक मदद दिलाकर न सिर्फ उनके जीवन को बल्कि परिवार को भी बेसहारा होने से बचाया है जिनको भयंकर बीमारी है कैंसर है या ऐसे है वो इलाज नहीं करा सकते उनका पैसा नहीं है तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष से करीब करीब मैंने 3 करोड़ रुपए यहाँ जनता को मैंने दिलवाया और जबकि प्रधानमंत्री का लिमिट है कितने आदमी को दिला सकते हैं लेकिन मैं फिर भी लेटर लिखता रहता हूँ वो दे देते उनका इलाज हो जाता बेचारों एक सैनिक देश की सुरक्षा करते हुए सरहद पर शहीद हो जाता है सैनिकों की शहादत क्या होती है उसके जाने के बाद उनके परिवार वालों पर क्या बीतती है सैनिकों की शहादत का कर्ज देशवासियों को कैसे चुकाना चाहिए इन सभी बातों को चौधरी कंवर सिंह तंवर बखूबी समझते हैं और कंवर सिंह तंवर जी ने शहीदों के परिवार वालों को हर वो संभव मदद देने का बीड़ा उठाया है जिसके वो सही मायने में हकदार हैं समय समय पर कंवर सिंह जी शहीदों के परिवार वालों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास भी करते रहते हैं कंवर सिंह जी ने संबल में शहीद जवान की पत्नी को अपनी तरफ से 2,51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी कंवर सिंह जी ने अपने इलाके में शहीद हुए जवानों की प्रतिमाएं बनाने की भी घोषणा की है आज हम यहाँ जीवित बैठे तो सैनिकों की वजह से ही बैठे हैं और सैनिक का सबसे ज्यादा इज्जत हम लोगों को करनी चाहिए सबको मैं सलाम करता हूँ उनको इनकी ही वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है कहते हैं गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं परमात्मा खुद आसीन रहते हैं और गुरु ही होता है जो छात्र की तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने इस बात की संजीदगी को बखूबी समझा है और समय समय पर गुरुओं का सम्मान कर उनका मनोबल ऊंचा किया है सांसद कंवर सिंह तंवर मानते हैं कि गुरु का ओहदा भगवान से भी ऊपर है लिहाजा उन्हें हमेशा सम्मान मिलना चाहिए गुरु ही है जो ज्ञान देकर हजारों छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाता है समय समय पर कंवर सिंह शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करके
उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसके वो सही मायनों में हकदार हैं। उनको मान सम्मान दिया वो खुश हो जाते हैं। अगर एक एक आदमी एक इंसान हमें हमारे सम्मान कर रहा है तो वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा उनके अंदर वो आता है भाई हम समाज की सेवा है ना वो भी। दुनिया की खूबसूरती बगैर आंखों के देखने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं जो गरीबी के चलते अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा पाते और हमेशा के लिए जिंदगी में उनकी अंधेरा छा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी ना खोए, वो अपनी आंखों का बेहतर इलाज करा सके, इसके लिए चौधरी कंवर सिंह तंवर समय समय पर निःशुल्क आई कैंप लगाते हैं और बेसहारा बुजुर्गों को पेंशन भी देते हैं। कई लोग पैसों की तंगी के चलते आंखों का ऑपरेशन नहीं करा पाते, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कंवर सिंह तंवर जी हर साल कैंप लगाकर लोगों की आंखों का निशुल्क ऑपरेशन कराते हैं, साथ ही लोगों को कैंप में निशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं। यही नहीं, जिन मरीजों को बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है उनका दिल्ली में मुफ्त ऑपरेशन कर, यहाँ तक कि मरीजों और उनके एक अटेंडेंट के दिल्ली आने जाने का सारा खर्च भी खुद सांसद कंवर सिंह तंवर जी उठाते हैं। हमारी गाड़ी जाती है लेके, जब दो दिन उनको एडमिट कर देते हैं, दो दिन में ठीक हो जाते हैं, फिर नहीं आते हैं, फिर उनके घर छोड़ देते हैं। एक मेरे सेवा का काम है जी, और सेवा भाव मेरे अंदर मेरे माँ बाप ने कूट कूट के भर दिया, अगर आप सेवा करते रहो ये धन ना हम साथ लेके जाएंगे ना आप साथ लेके जाएंगे। इतने प्रयासों के बाद आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। सांसद कंवर सिंह तंवर जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ वो अपने भाषणों में बेटियों की शिक्षा पर काफी जोर देते हैं। कई गरीब परिवार की बेटियों की पढ़ाई का खर्च कंवर सिंह जी खुद ही उठाते हैं। उन्होंने अपने इलाके में बेटियों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय बनाने की घोषणा भी की, ताकि बेटियाँ बिना किसी डर और संकोच के पढ़ाई कर सके। बच्चियों को पढ़ाते नहीं लोग, वो कहते हैं कि यार ये 5 क्लास पढ़ ली ना, चलो बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। तो हम चाहते हैं अपने क्षेत्र की सब जनता को, मैं तो ये बोलता हूँ बेटियों को पढ़ाओ। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे इधर सरकारी स्कूल में भेजते हैं या दूर दूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100 लड़कियों की हर महीना 30 महीने से ले लें, पहले तो 5वीं क्लास तक बच्चों को लाना है हमें स्कूल में। जब बच्चे स्कूल में आएंगे, जब 100 लड़कियां और पढ़ने आएंगी, उसकी फीस मेरी तरफ से हर महीना स्कूल को मिलेगी। हर महीने में 100 लड़कियों की फीस और 2 टीचरों की तनख्वाह मैं अपने पास से हर महीना आप लोगों को दूंगा, इस स्कूल को दूंगा। खुद किसान परिवार में जन्मे चौधरी कंवर सिंह तंवर किसानों की दुख तकलीफ को बखूबी समझते हैं। वो जानते हैं कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें खाना नसीब होता है। किसानों के साथ कोई अन्याय ना हो, उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके, इस दिशा में चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने कई सराहनीय काम किए हैं। कंवर सिंह जी चाहते हैं कि किसानों की सभी समस्याएं जल्द से जल्द खत्म हो। अपने इसी संकल्प के साथ वो हमेशा ही किसानों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। किसानों के साथ कोई भी अन्याय ना हो, उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक समर्थन मूल्य मिले, उन पर कर्ज की मार ना पड़े, इसका सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी हमेशा ध्यान रखते हैं। समय समय पर किसानों की समस्याएं सुनने वाले कंवर सिंह जी ने कई बार लोकसभा में किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। और वो भी बताते हैं कि मेरा
एक मन चुके ये हम तो पोजिशन देखे जो यहाँ का वातावरण बहुत मन खुश है बहुत खुश है। एक हिंदुस्तान का मशहूर सांसद सांसद तो और बहुत है मगर आपका नाम देश में समाज सेवा के लिए सेवाओं के लिए अपनी कुर्बानियों के लिए आपका दिल्ली के अंदर आपकी गिनती गिन जाती है। सांसद हो या विधायक उसकी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को दूर करना होता है। मगर अमरोहा से बीजेपी के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव में गरीब बच्चों के लिए कागज और कलम से विकास की एक नई इबारत लिखी है और ये बता दिया है कि वो समाज सेवा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि गरीबों के उत्थान के लिए करते हैं। गरीबी और भूख कई कारणों से आज भी देश के कई कोने में अपनी पैर जमाए हुए हैं और ऐसे में ये स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग शिक्षा को लेकर उतने उत्साहित नहीं होंगे। वहीं चौधरी कंवर सिंह तंवर का मानना है कि शिक्षा वो हथियार है जिसके जरिए गरीबी और भूख से न सिर्फ लड़ा जा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के घाटी गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाकर चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने अपने इसी सोच को उजागर किया है। जितने मैंने गांव देखे वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, मैंने कहा इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, वो कहते जी यहाँ तो स्कूल है नहीं, बहुत दूर स्कूल है, ना बस चलती है ना रोड पे कोई गाड़ी चलती है जिससे हम बच्चों को ले जाए वहाँ। फिर मैंने उस महाराज से पूछा अगर बच्चा यहाँ एक स्कूल बनवा दो चल जाएगा। मैंने वहाँ एक स्कूल का निर्माण कराया और मैंने उनको एक बस भी दे दी। आज उस स्कूल में मैं देख के आया था बच्चों ने 90% 92% नंबर उस स्कूल में ले रहे हैं और वो महाराज जी चला रहे स्कूल। जिस तरह से एक पक्षी के लिए सरहद कोई मायने नहीं रखती उसी तरह से चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए कोई जाति धर्म संप्रदाय मतलब नहीं रखते। वो जानते हैं तो सिर्फ लोगों की सेवा करना यही उनकी भूख है और यही उनकी परम इच्छा। देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।